अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दत मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब ऑनरेबल कामरान तिसोरी साहब द गवर्नर ऑफ सिंध, मेरे बुजुर्गों और मेरे अजीज भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब एक मुजाहिद मैदानी जंग में उतरता है और उसके हथियार लिए जाते, ये ऑडियो मेरी हथियार है, अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि ये ऑडियो को इन्होंने जल्द से जल्द अच्छा करे। तकरीर शुरू करने के पहले, जैसे आप सब जानते हैं कि मेरी तालीम अंग्रेजी में हुई है, तो हो सकता है कि इस उर्दू तकरीर में मैं गलतियां करूंगा, तो उसके लिए माजरत चाहता हूं। दो दिन पहले जब गवर्नर साहब ने मुझे बुलाया था, तो 12 साल के बाद मैं पब्लिक में उर्दू में तकरीर कर रहा हूं। इसके पहले 2012 में किशनगंज में, 2012 हिंदुस्तान में, बिहार में किशनगंज में 10 लाख से ज्यादा मजमा था, वहां मेरी आखिरी उर्दू तकरीर थी। और क्योंकि मैं हिंदुस्तान से हिजरत किया, जितने ममालिक में तकरीर किया तो वहां उर्दू तो जानने वाले थे ने, तो 12 साल बाद मैंने परसों उर्दू में तकरीर किया और उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह सुभानहू व तआला मेरा साथ दे। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं पाकिस्तान में मौजूद हूं, और काफी सालों से तमन्ना थी कि मैं पाकिस्तान में तकरीर करूं, चाहे उर्दू या अंग्रेजी में, लेकिन लोग ने इसरार किया कि उर्दू में करो, तो इंशाल्लाह। क्योंकि मेरे उर्दू सॉफ्टवेयर बनना बंद हो गए, जब से मैं हिंदुस्तान से हिजरत किया मेरे उर्दू सॉफ्टवेयर बनना बंद हो गए, तो लोग कहते उर्दू चैनल पे जाकिर भाई की तकरीर आना बंद हो गए, तो इंशाल्लाह इसके बाद कोई नई मवाद, इंशाल्लाह नया मवाद मिलेगा। तो इसीलिए जो तकरीर मैंने कल की वो पहले बार उर्दू में की, आज की तकरीर भी मैंने अंग्रेजी में 2009 में की थी, और मैं आज उर्दू में पहली बार करूंगा, जिसका मौजू है हमारे जिंदगी का मकसद क्या है, वॉट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइव। क्या हमने कभी सोचा कि हम दुनिया में क्या कर रहे हैं? हमने कभी सोचा हमारे जिंदगी का मकसद क्या है, हमारे हयात का मकसद क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि आज की ऑडियंस माशाल्लाह हजारों की तादाद में है, 30, 40, 50 हजार या ज्यादा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कभी भी किसी ने पहले सोचा, आज के पहले सोचा कि हमारे जिंदगी का मकसद क्या है? जिसने भी सोचा हाथ ऊपर करो। माशाल्लाह माशाल्लाह 50 या 40% ने सोचा है, माशाल्लाह। और इसका जवाब क्या है? हमारे जिंदगी का मकसद क्या है? क्या हमें जरूरी है जानना हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? मैं आपको चंद मिसाल पेश करूंगा, फिर आप ये जान सकते हैं
या समझ सकते हैं कि जिंदगी का मकसद जानना जरूरी है क्या नहीं। अगर एक शख्स एक चौराहे पे आता है और एक सड़क पे गुजरने वाले आदमी से पूछता है, क्या ये सड़क किधर जा रही है? वो आदमी उससे पूछता है, आपको कहां जाना है? तो वो कहता है, किधर भी चलेगा। तो आदमी जवाब देते हैं, जब किधर भी चलेगा तो आप क्यों पूछ रहे क्या सड़क जाती है? आप जाइए, आप पहुंच जाएंगे किधर भी। मैं और एक मिसाल देता हूं आपको। एक शख्स बिल्डर होता है, बोलता है मैं बिल्डिंग बांधूंगा। तो एक शख्स पूछता है, कितने माले की बिल्डिंग बांधना चाहते हैं आप? तो बोलता है, मुझे पता नहीं। उस बिल्डिंग की एरिया क्या है? बोलता मुझे पता नहीं। तो इससे जाहिर होता है कि ये दोनों शख्स के पास देयर इज नो गोल, उनके पास टारगेट ही नहीं है। पहला शख्स जो चौराहे पे जाके पूछता है सड़क कहां जा रही है, उसे पता नहीं कहां जाने का है, उसके पास गोल ही नहीं है। जो शख्स बिल्डिंग बनाना चाहता है उसको पता नहीं कितने माले की बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग की एरिया क्या है। ही हैज नो गोल, गोल ही नहीं है। एक वक्त एक पड़ोसी अपने पड़ोसी से पूछता है, क्या आपका कुत्ता हमेशा कोई भी गाड़ी या मोटरसाइकिल जाती है तो उसके पीछे दौड़ता है? मैं सोचता हूं कि आपका कुत्ता कभी कोई गाड़ी को पकड़ेगा या मोटरसाइकिल को पकड़ेगा? तो पड़ोसी कहता है, आप सोच रहे हो पकड़ेगा क्या नहीं, मैं सोचता हूं पकड़ेगा तो करेगा क्या। अगर वो गाड़ी के आगे आएगा तो करेगा क्या। तो इसे कहते हैं गोल विदाउट पर्पस। गाड़ी को पकड़ने का है पर पकड़ने के बाद करेगा क्या, गोल विदाउट पर्पस। मिसाल के तौर पे एक शख्स से पूछते हैं, क्या आप ग्रेजुएशन क्यों कर रहे हैं? तो बोलता है पता नहीं। आप ग्रेजुएशन करने के बाद क्या करेंगे? बोलता है पता नहीं, बस ग्रेजुएशन करने का है। यानी ग्रेजुएशन का गोल है, ग्रेजुएशन करने का टारगेट है, लेकिन क्यों करने का उसे पता नहीं। इसे कहते हैं पर्पस विदाउट गोल, गोल विदाउट पर्पस। एक तीसरी मिसाल है, ये लोग अक्सर फॉलो करते हैं ब्लाइंडली, आंख बंद करके फॉलो करते। एक शख्स से पूछते, क्या आप कॉमर्स में ग्रेजुएशन कर रहे? क्यों कर रहे? क्योंकि मेरा दोस्त कर रहा है। करने के बाद क्या करेंगे? मुझे नहीं पता। एक शख्स बॉलीवुड की हिंदी पिक्चर देखता है और देखता है कि वो हीरो अमिताभ बच्चन बॉम्बे में आता है, चंद दिनों में करोड़पति बन जाता है। तो समझता है मैं भी बॉम्बे आऊंगा या मैं कराची आऊंगा, चार पांच दिन में करोड़पति बन जाऊंगा। वो पिक्चर देख के हीरो से मुतासिर होता है। एक शख्स बोलता है कि मुझे हायोंडा i10 खरीदने का है। क्यों? क्योंकि शाहरुख खान वो गाड़ी चलाते हैं। शाहरुख खान हायुंडा है, i10 चलाते हैं, इसीलिए उसे हायुंडा खरीदने गए। मैं उसे कहता हूं, शाहरुख खान कभी जिंदगी में वो एडवर्टीजमेंट में पहले कभी हायुंडा में बैठा नहीं होगा, ना कब बाद में बैठेगा। वो इश्तियार के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए शायद बैठा होगा। उसके पास शायद BMW होगी या मर्सिडीज होगी। आप शाहरुख खान को देख लिया हायुंडा में बैठते, आपको हायुंडा खरीदने का। दूसरा शख्स कहता है कि मुझे टैगोर की घड़ी खरीदने का है। मेरा क्यों? क्योंकि शाहरुख खान टैगोर की घड़ी पहनते। तो इसे कहते हैं कि ब्लाइंडली फॉलोइंग। आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे, शायद आपके दोस्त को फॉलो कर रहे या हीरो को फॉलो कर रहे।
आपका जो गोल है वो हीरो को फॉलो करना। आप समझते हैं कि आप टैगोर की घड़ी पहनेंगे तो शाहरुख खान बन जाएंगे, आप हैंडा खरीदेंगे तो शाहरुख खान बन जाएंगे। आपका गोल क्या है? और कुछ लोग का गोल होता है लेकिन नो प्लानिंग। एक शख्स कहता है, एक शख्स टेक्सटाइल की कंपनी को खरीदता है, बोलता है इसमें बहुत मुनाफा है, गोल उसके पास है, उसको धंधे में तिजारत में मुनाफा करने का, वो टेक्सटाइल की कंपनी खरीद लेता है। अगर उससे पूछा जाता है आप अपने कपड़े किधर बेचेंगे, बोलता है मुझे पता नहीं, आप रॉ मटेरियल्स टेक्सटाइल का कहां से खरीदेंगे, मुझे पता नहीं, आप किसी को अपॉइंट करेंगे सीईओ को या मैनेजर को, बोलता मुझे पता नहीं। गोल तो है, मकसद तो है कि मुनाफा करना तिजारत में धंधे में, लेकिन नो प्लानिंग, गोल विदाउट प्लानिंग। एक और एक मिसाल दूंगा मैं, एक शख्स को साइंटिस्ट बनने का है, बोलता है मुझे दुनिया का एक सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट बनना है, तो वो क्या करता है, वो रिसर्च करता है और तहकीकात के बाद उसे पता चलता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट है आइजैक न्यूटन, उसकी तहकीक बिल्कुल सही रहती है। फिर वो क्या करता है, जिस तरीके आइजैक न्यूटन के लंबे बाल थे कर्ली बाल, वो लंबे बाल उगाता है कर्ली बाल उगाता है। जिस तरीके से आइजैक न्यूटन कपड़े पहनता था वो कपड़े पहनने लगता है, जिस तरीके से वो जूते पहनता था आइजैक न्यूटन उस तरीके से वो जूते पहनने लगता है। क्या वो साइंटिस्ट बनेगा, हाँ क्या नहीं? उसकी तहकीक सही थी कि आइजैक न्यूटन सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट है दुनिया के। प्लानिंग है, गोल है, बट प्लानिंग गलत है। बाल उगाने से, कपड़े पहनने से, आइजैक न्यूटन जैसे जूते पहनने से कोई साइंटिस्ट नहीं बनता है। तो इसे कहते हैं गलत प्लानिंग। तो आज के माशरे में हम देखते हैं कि अक्सर लोग, उनके पास कोई गोल ही नहीं है। जैसे वो सड़क पे वो मुसाफिर पूछता है कि सड़क किधर जा रही है, आपको कहां जाना है, किधर भी गए चलेगा, उनका गोल ही नहीं, उनका टारगेट ही नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं, गोल है लेकिन मकसद ही नहीं, कुत्ते की तरह गाड़ी के पीछे भाग रहे, पकड़ेंगे तो करेंगे क्या, आप भोगते भोगते गाड़ी के पीछे भागते, अगर पकड़ेंगे तो करेंगे क्या। यानी गोल है लेकिन पर्पसलेस गोल। कुछ लोग भीड़ को फॉलो कर रहे, दोस्त जा रहे तो हम भी जा रहे, वो हीरो को देखते हैं कि बंबई आता है, कराची आता है, करोड़पति बन जाता है, मैं भी बन जाऊंगा, मैं टैगोर की घड़ी पहनूंगा या हैंडा गाड़ी चलाऊंगा, शाहरुख खान बन जाऊंगा। भीड़ को फॉलो कर रहे। कुछ लोग का गोल है जैसे टेक्सटाइल कंपनी खरीदने वाला, लेकिन प्लानिंग ही नहीं है, किधर से माल खरीदेगा पता ही नहीं, किधर बेचेगा पता ही नहीं, ना मैनेजर ना सीईओ। और कुछ लोग है प्लानिंग करते लेकिन गलत प्लानिंग करते, आइजैक न्यूटन बनने का तो आइजैक न्यूटन के कपड़े पहन रहे, जूते पहन रहे। तो ये हमारे माशरे में अक्सर आप देखेंगे इंसान इसी छह किस्म में से एक किस्म में आते हैं। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, आप सोच सकते हैं? अगर हम इन किस्म के लोगों जैसे होंगे तो हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। इस सवाल का जवाब, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, सबसे बेहतर कौन दे सकता है? डॉक्टर जाकिर नाइक? बिल्कुल नहीं। क्या एक डॉक्टर दे सकता है? क्या एक साइकोलॉजिस्ट इस सवाल का जवाब दे सकता है? सबसे बेहतरीन जवाब इस सवाल का, हमारे जिंदगी का मकसद क्या है, कौन दे सकता है? हमारा खालिक, हमारा मालिक अल्लाह सुबहाना वताला। अल्लाह सुबहाना वताला से बेहतर जो हमारा खालिक है,
हमारा मालिक है, क्या कौन उससे बेहतर इस सवाल का जवाब दे सकता है? हां या नहीं? अल्लाह ताला फरमाते हैं इस तकरीर के शुरू में मैंने एक आयत की तिलावत की, सूरह धारियात, सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56, आयत नंबर 56, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि हमने जिन और इंसान को पैदा किया ताकि वो हमारी इबादत करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिन और इंसान को पैदा किया ताकि वो अल्लाह सुभान व तआला की इबादत करे। ये अरबी लफ्ज इबादत आता है अब्द से, मतलब स्लेव। अब मतलब स्लेव, जो नौकर से ज्यादा है। और इबादत की, इबादत का क्या मतलब है? अल्लाह की इबादत का मतलब क्या है? अल्लाह की इबादत करना मतलब अगर आप अल्लाह सुभान व ताला के अहकामात पे अमल करते हैं, उसे कहते हैं अल्लाह की इबादत करना। जो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं उसके ऊपर आप चलते हैं तो उसे कहते हैं इबादत करना अल्लाह की। अगर आप इस्लाम के पांचों बुनियादी पिलर्स, 5 पिलर्स पे अमल करते हैं, चाहे तौहीद हो, चाहे सलाह हो नमाज, चाहे ज़कात हो, चाहे रोज़ा हो या हज हो, आप अगर उस पे अमल करते हैं उसे कहते हैं इबादत करना। आप कोई भी हुक्म अल्लाह का जो अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं या अल्लाह के रसूल के जरिए फरमाते हैं हदीस में, अगर उस पे आप अमल करते हैं उसे कहते हैं इबादत करना। अल्लाह फरमाते कुरान मजीद में सूरह मायदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 में कि आप खंजीर, सुअर का गोश्त मत खाओ। अगर आप खंजीर नहीं खाते, सुअर का गोश्त नहीं खाते, आप इबादत कर रहे। अल्लाह ताला फरमाते सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में शराब मत पियो। अगर आप शराब नहीं पीते आप इबादत कर रहे। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में कि सच बोलो, झूठ मत बोलो। अल्लाह फरमाते रिश्वत मत दो, चीटिंग मत करो। अगर आप सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, रिश्वत नहीं देते, चीटिंग नहीं करते, आप अल्लाह की इबादत कर रहे। आप अल्लाह के कोई भी अहकाम पे अमल करते हैं उसे कहते हैं अल्लाह की इबादत करना। और अल्लाह सुभान व ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, सूरह दरियात सूरह नंबर 51 वर्स नंबर 56, कि हमने जिन और इंसान को पैदा किया सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर एक आप कोई अगर इक्विपमेंट या मशीन को खरीदते हैं तो मशीन के साथ आता है इंस्ट्रक्शन मैनुअल, उस मशीन को किस तरीके से इस्तेमाल करना। और जितनी पेचीदा मशीन है, जितनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, उतनी ज़रूरत है आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल की। अगर आप मुझे इजाज़त देते कि इंसान को मैं एक मशीन कहूँ, तो आज दुनिया में सबसे पेचीदा मशीन, सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन है इंसान। क्या
क्या इंसान को इंस्ट्रक्शन मैनुअल की जरूरत नहीं है? क्या इस इंसान को इंस्ट्रक्शन मैनुअल की जरूरत नहीं है? इस कॉम्प्लिकेटेड मशीन इंसान की इंस्ट्रक्शन मैनुअल कौन सी है? इंस्ट्रक्शन मैनुअल है कुरान मजीद। ये कुरान मजीद इंसान की आखिरी इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, किस तरीके से इंसान अपनी जिंदगी जीना चाहिए, इंसान के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या इजाजत है क्या ममनू है, वो इस किताब कुरान मजीद में लिखा है। ये अल्लाह का आखिरी कलाम, आखिरी वही, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की गई है। लोग पूछते हैं कि अल्लाह सुभान व तआला क्यों चाहते हैं कि हम अल्लाह की तारीफ करें, अल्लाह क्यों चाहता है हम कहें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह क्यों चाहता है हम कहें अल्लाह अकबर। अल्लाह को क्या अल्लाह तारीफ के मोहताज है? नौज़बिल्लाह। क्या अल्लाह को जरूरत है कि हम अल्लाह अकबर बोले? इसका जवाब अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में। अल्लाह फरमाते हैं कि आपको अल्लाह की जरूरत है, अल्लाह कोई भी चीज, अल्लाह को कोई भी चीज की जरूरत नहीं, और अल्लाह सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में सूरह नंबर 16 में कि अल्लाह तुमको अल्लाह की जरूरत है, अल्लाह को किसी भी चीज की जरूरत नहीं, और सारी तारीफ अल्लाह के लिए। यू नीड अल्लाह सुभान व तआला। अल्लाह इज फ्री ऑफ ऑल वॉन्ट्स, वर्दी ऑफ ऑल प्रेजेस। तो सवाल आता है क्यों हम अल्लाह अकबर बोलते हैं, क्यों हम अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं, सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, अल्लाह अकबर। इसका जवाब है, हम इंसान अगर किसकी तारीफ करते हैं तो उसका बाद भी मानते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपकी वालदा है जो बीमार है और आप चाहते और उनको हार्ट प्रॉब्लम है, तो आप क्या कहेंगे? आप ढूंढेंगे सबसे बेहतरीन हार्ट स्पेशलिस्ट कौन है। जब आप तहकीक करेंगे आपको मालूम पड़ेगा कि मशहूर डॉक्टर है, आप उस मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट की बात मानेंगे आपके वालदा के दिल की बीमारी को दूर करने के लिए। अगर कोई आदमी आपको मिलेगा रास्ते पे, वो कुछ कहेगा, क्या आप उसकी बात मानेंगे? और जवाब ही नहीं, आप मानेंगे एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट की। क्यों? उसकी इतनी शोहरत है कि वो वर्ल्ड का बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट है, आप उसकी बात मानेंगे। तो ये इंसान की फितरत है, जो आदमी की आप इज्जत करते हैं, जो आदमी की तारीफ करते हैं, आप उसका कहना मानते हैं। तो अल्लाह अल्लाह सुभान व तआला चाहता है कि आप अल्लाह की तारीफ करें, नहीं ताकि वो ऊंचे हो। आप अल्लाह अकबर 10 बार बोलो, लाख बार बोलो, अल्लाह अकबर तो ऑलरेडी अल्लाह अकबर है, उससे ज्यादा अकबर हो ही नहीं सकते। अल्लाह ऑलरेडी चोटी पे है, आप 10 बार बोलो, 1000 बार बोलो, अल्लाह को कोई फर्क पड़ता नहीं। अल्लाह चाहते हैं कि आप अल्लाह की तारीफ करें ताकि आप अल्लाह की हिदायत पे अमल करें। जब आप अल्लाह की तारीफ करते, अल्लाह अकबर, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल हाकिम, अल्लाह सबसे हिकमत वाला है, अर रहीम, अल्लाह सबसे रहमत वाला है। Allahumma
अल्लाह के नाम सुभान अल्लाह।
हबीब-ए-रास्ता कुल अंबिया रहमतुल्लिल आलमीन शफीउल